हरिओम। आज 20 अक्टूबर है 2024। अब हम भगवान जो स्थित प्रज्ञ लक्षण बता रहे हैं, वो कह रहे देखो, ऐसे तो जो साधारण कंट्रोल, तो उसके पहले जो 58 श्लोक में कुर्म के एग्जाम्पल दे करके कंट्रोल के बारे में बताया, तो एक प्रश्न होगा, कंट्रोल तो मनुष्य का जब रोग होता है तब भी कंट्रोल हो जाता है। रोग आदि में भोजन नहीं कर पाता है, भोग आदि नहीं कर पाता है, तो कहते ये जो कंट्रोल है वो टेम्पररी है, परमानेंट कंट्रोल तो वही है, ज्ञान से ही संभव है, वैराग्य से संभव है। देखते हैं, बड़ा श्लोक है वो, 59। श्री भगवान उवाच, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्यम रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। निराहारस्य, जब मनुष्य खाना नहीं खाता है, क्यों? इस रोग का आदि खाना नहीं खा पाता है। निराहारस्य देहिनः विषया विनिवर्तन्ते, वो जब विषय से निवृत्त हो जाता है समय के लिए, कुछ समय के लिए, मगर उसके अंदर जो राग है, जो अनुराग है, जो तृष्णा है, वो तो निवृत्त नहीं होता है ना, वो रहता है। फिर कब होता है ना? परमात्मा के जब दर्शन करता है। श्लोक देखिए, या पर रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। रस को त्याग करने पर भी रस रहता है, जब परमात्मा का दर्शन करता है तभी ही विषयानुराग से निवृत्त होता है। तो यहां पर ये कहते हैं कि हमारे अंदर जो एक होता है श्मशान वैराग्य, श्मशान वैराग्य माने जब कोई मर जाता है, कोई रिलेटिव्स, तो उस समय सब ज्ञान निकलता है, वो बोलते हैं श्मशान वैराग्य। अलग पुराणों में वर्णन है, रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकशिपु आदि सब उपदेश देते हैं, अरे शरीर तो जाता है, आत्मा कभी नहीं मरता है। कंस भी कहता है वसुदेव से तो वो श्मशान वैराग्य, तो कहते ऐसे वैराग्य वो केवल थोड़े समय के लिए है, परमानेंटली नहीं है, ये बात कहते हैं। कहते हैं जब तक मन को ही जीते, मन जीता जग जीता, मन को अगर जीता है तो जगत जीता है, मन के अंदर सब रह रहा है मगर जगत कैसे जीत सकते हो? तो ये मेथड है, मन के अंदर जो दोष है वो चित्त शुद्धि से ही संभव है, मौन निंद्र निग्रह व्रत आदि करने से चित्त शुद्धि होती है, फिर चित्त शुद्धि से ज्ञान प्राप्त होता है, ये बात बता रहे हैं। इसको जानना चाहिए कि भगवान क्या बताना चाहते हैं। मन के अंदर चार दोष होता है, एक है लय दोष, विक्षेप दोष, कषाय दोष और एक है रसास्वाद। तो जो लय दोष होता है, कभी कभी जब ध्यान करते हैं तो लय में मन चला जाता है और लगता है कि अच्छा है ये, फिर विक्षेप होता है, फिर कषाय राग द्वेष कषाय, फिर रसास्वाद मैंने थोड़ा सा रस लेने लगता है मन। इनसे ये है समाधि के विघ्न कहते हैं, समाधि के दोष कहते हैं, ऑब्स्टेकल, ये से दूर होकर के परमात्मा आनंद परमानंद प्राप्त करने के लक्ष्य में ही केवल जाना चाहिए, ये भगवान कह रहे हैं। फिर हम आगे कल देखेंगे।